सन 1975 दिन महाशिवरात्रि। मैं उन दिनों भगवान शंकर की पूजा किया करता था अनन्य भाव से। सुबह से शाम और शाम से रात, बस जो जरूरी नित्य कर्म थे उनसे निवृत्त होकर मैं या तो शंकर मंदिर में, गौशाला या घर पे मेरे आसन पे एकाग्र मन से बिना किसी विघ्न के निरंतर बड़ी श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर का जाप किया करता था, ध्यान किया करता था, भजन गाया करता था। गाने में मेरी आवाज थोड़ी मीठी थी, थोड़ा सा सुंदर गा लिया करता था, इसीलिए मैं भजन भी गा लिया करता था अकेला बैठा। मुझे भजन गाने में बड़ा रस आता था, मैं बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाया करता था, झूमने लग जाता था, कभी कभी नाचने भी लग जाता था। ऐसी मनोदशा मेरी हो जाया करती थी अक्सर, और उस वक्त प्रायः मैं अकेला ही हुआ करता था, क्योंकि जो मंदिर के पंडित जी थे वो अपना पूजा पाठ करके अपने घर चले जाया करते थे और मंदिर की दोनों गेटों की चाबियां मुझे दे जाया करते थे। फिर मैं अपनी पूजा पाठ से निवृत्त होकर जाता हुआ उनके घर पे चाबियां दी जाया करता था और फिर अपने घर चला जाया करता था। ये नित्य प्रति का क्रम था। उस दिन मैं महाशिवरात्रि का दिन था, 1975 का साल था, मुझे याद है। मुझे अनुमान भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैं बड़ा मस्ती में कहीं बैठा भजन कर रहा था और वो ना तो मंदिर था ना मेरा घर था, उस स्थान कोई और था, नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बड़ा मस्त था। पूरी मस्ती में बैठा भजन गा रहा था, भगवान शंकर मेरे आराध्य देव थे। अचानक एक दृश्य ने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि सामने दीवार के साथ भगवान शंकर अपने पद्मासन या सिद्धासन, मैं आसन का ठीक से वृतांत ना दे सकूंगा क्योंकि उस वक्त मैं चरम आनंद की अवस्था में था। नीलवरण, बिल्कुल वही आकृति जो मैंने अपने मस में धारण कर रखे थे, त्रिशूल और डमरू
जटा झूठ। बड़ा मनोहारी दृश्य, बैठे हुए मेरे सामने प्रसन्न मुद्रा में, मैं उन्हें एक टक निहार रहा था। मेरा मन ही नहीं भर रहा था ऐसा सुंदर दृश्य देखकर, जैसे किसी ने मुझे सम्मोहित कर लिया हो। ऐसा सुंदर रूप, ऐसी सुंदर छटा, ऐसी शांत तरंगे, ऐसी शीतलता, मौसम वैसे भी बड़ा सुहाना था। महाशिवरात्रि के दिन आम तौर से मौसम बहुत सुंदर हुआ करता है, न ज़्यादा सर्दी हुआ करती है न गर्मी हुआ करती है। सुंदर मौसम, सुंदर दृश्य और आनंद की बिखरती हुई छटा, सुगंधि सुवास मेरे नासापुटों को आनंदित कर रही थी। मैं जैसे मदहोश हुआ जा रहा था, मैं जैसे इस लोक में था ही नहीं, मैं छत पे बैठा था। और जैसे व्यक्ति पागल सी अवस्था में होता है, आनंदित, परम आनंदित, इससे पहले ऐसा सुंदर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। देव दर्शन तो मैंने किए थे हनुमान जी के रूप में, लेकिन ऐसा मनोहारी दृश्य, ऐसा सुंदर दृश्य, ऐसा शांतिपूर्ण देवता का प्रसन्न चित्त मुद्रा में विराजमान दृश्य मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में। मेरा मन था कि खींचे जा रहा था, मैं निरंतर एक टक उस छवि की तरफ निहार रहा था, जैसे वो एक मूर्ति हो, किसी कारीगर की अनुपम प्रतिभा से बनाई हुई एक कृति। भाव विभोर और मेरे आंखों से अश्रु धारा बह रही थी, कृतकृत्य हो गया था मैं। बस इतनी सी प्रार्थना से, मैंने कोई विशेष प्रयास भी ना किया था। सन 73 में मैंने घर छोड़ा, उसके बाद घर वापस आया, उसके बाद मैंने पूजा प्रार्थना शुरू की भगवान शंकर के, और अक्सर मैं उस मंदिर में बैठ जाया करता था, घर पे बैठ जाया करता था। लेकिन महाशिवरात्रि वाले इस दिन मैं ना तो घर में था, न ही मंदिर में, कहीं बैठा था छत के ऊपर। और ऐसा मनोहारी दृश्य देखकर मैं मदहोश हुआ जा रहा था, जैसे मुझे स्वर्ग के दर्शन हो रहे हो, जैसे मैं स्वर्ग में बैठा हूं। शीतल मंद मंद सी हवा बिखर रही थी चारों ओर, सुगंधित
वातावरण। उनके शरीर से निकलती हुई अद्भुत अविरल आनंद की धारा मुझे आंदोलित कर रही थी और मैं शरीर के भीतर एक कंपन और सिहरन आनंद की महसूस कर रहा था बड़ी तीव्रता से। मेरी दृष्टि थी कि उनके मुखमंडल से हट ही नहीं रही थी, ऐसा सुंदर दृश्य जीवन में पहली बार देख रहा था। इस अवस्था में मैं नहीं जानता कितना वक्त मुझे बीत गया था, लेकिन मंत्र मुग्ध सा मैं देखे ही जा रहा था। आंखों से निरंतर अश्रुधारा आनंद की मैं सोचे जा रहा था कि इतनी शीघ्रता से ये देव प्रसन्न हो जाया करते हैं। 73 में मैंने शुरू किया, 75 में ये मेरे सामने सिर्फ 2 वर्ष। मेरे मुख से कोई आवाज प्रस्फुटित नहीं हो रही थी। अचानक मुझे थोड़ा सा ज्ञान अपने शरीर का हुआ। मैंने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किया, पूरे मन पूरी श्रद्धा उस प्रणाम में घुली जा रही थी। जैसे मेरे लिए प्रणाम ही सारा संसार बन के रह गया हो। रोए जा रहा था और सर झुका जा रहा था। अचानक देववाणी मेरे कानों में गूंजी, मधुर झंकार सी आवाज, बेटा मांगिए, मुझे किस लिए याद किया, किस लिए मेरी प्रार्थना, मेरी स्तुति, मेरा भजन, नृत्य, गायन, क्या प्रयोजन है तुम्हारा, मांग लो। उससे पहले मैंने सुना भी बहुत बार था, ये पिक्चर्स में देखा भी था कि भगवान ऐसे आया करते हैं और ऐसे वर मांगने को कहा करते हैं, लेकिन आज तो ये ना कोई फिल्म थी, ना मैं कोई ग्रंथ पढ़ रहा था, ना कोई मुझे सुना रहा था, आज तो मैं खुद ही देख रहा था। मेरी ये नग्न आंखें उस दृश्य को निरंतर और उनकी देववाणी मेरे कानों में गूंजे, पुत्र मांगो, क्या मांगना चाहते हो। मैंने इनकार किया, कहा प्रभु बस मैं जो मांगना चाहता था मुझे मिल गया, मुझे आपके दर्शन चाहिए थे। फिर मेरे कानों में एक आवाज, वो ही सुरली आवाज, बेटा मैं आया हूं
तो मांग लो, कुछ मांग लो। और मैंने जीवन की एक गलती उस वक्त की, तेईस वर्ष की उम्र करीब मेरी रही उस वक्त, भरपूर जवानी का वक्त, मैंने एक लड़की मांग ली जिससे मैं प्रेम करता था। और उन्होंने मुझे तथास्तु कहकर मौन होकर बैठ गए। मैंने उनकी स्तुति की। उन दिनों मैं तुलसीदास कृत उत्तरकांड में नमामि शमीशान निर्वाण रूपम ये स्तुति संस्कृत से उनकी किया करता था। तो मैंने वो पूरी स्तुति की, स्तुति करके मैंने प्रणाम किया। और उन्होंने मुझे मुस्कुराकर, सुंदर मुस्कुराहट, शायद मैंने मेरी जिंदगी में किसी बच्चे की भी इतनी सुंदर मुस्कुराहट कभी नहीं देखी। एक बच्चा भी जब खिलखिलाता है तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा सुंदर होता है, लेकिन भगवान शंकर की ये मुस्कुराहट बच्चे से भी कहीं ज्यादा सम्मोहित कर रही थी और मन को भा रही थी, मन को छू रही थी। दृश्य कितनी देर चला मुझे कुछ पता नहीं। सायं का वेला था, हल्की हल्की रात्रि होने को थी, अंधेरा छा रहा था, सर्दी में थोड़ा सा दिन छोटे ही होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, सो वक्त का मुझे कोई पता नहीं। दृश्य मैंने आपको सामने रख दिया कि ऐसा कुछ अंधेरा होने को था, सायं काल जिसे हम कह सकते हैं, रात्रि काल से पहले। और भगवान शंकर हाथ उठाते हुए कल्याणमस्तु कहते हुए, कल्याणमस्तु चले गए, एकदम से गायब। और मुझे जैसे किसी ने झकझोर दिया, मैंने देखा ये क्या हुआ। कुछ देर के लिए मैं उस खुमारी को बर्दाश्त न कर सका। खुमारी मेरे दिमाग पर चढ़ी जा रही थी, उतरने का नाम नहीं ले रही। मैं जैसे होश गवा चुका था, मुझे नहीं पता कि इस अवस्था में मैं कितनी देर बैठा रहा। लेकिन जब मुझे ध्यान आया तो 8 बज चुके थे। मैं हिला, मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था। मैं क्योंकि छत पे बैठा था, पौड़ियां उतर के नीचे आया,
और घर को चला गया। मैं घर पे आ गया, धीरे धीरे खुमारी उतरने लगी और मुझे ये बोध होने लगा कि तुमने आज गलत मांग लिया है, क्योंकि मैंने उस लड़की को सिर्फ देखा था और एक अज्ञात अट्रैक्शन, न कभी बात की थी, न मैं उसे जानता था, कुछ नहीं, सिर्फ एक अज्ञात अट्रैक्शन मन में। बड़ा पश्चाताप होने लगा कि ऐसा मौका व्यर्थ ही गवा दिया, जो नहीं मांगना था वो मांग लिया। मेरे मन में पश्चाताप शुरू हो गया, क्योंकि वास्तव में मैं शादी करवाना नहीं चाहता था, मुझे मेरी मंजिल पता था, मैं अपनी मंजिल को छूना चाहता था और देवदर्शन से कभी मंजिल तय नहीं हुआ करती, ये भी मुझे अच्छी तरह ज्ञात था। देवदर्शन में कर तो लिया, लेकिन जो चीज मुझे चाहिए थी वो न मांग सका। मैं भगवान शंकर की आराधना इसलिए करता था कि वो मुझे उस अज्ञात शक्ति तक पहुंचने के लिए रास्ता बताएं। लेकिन मैंने ये नहीं मांगा। उस वक्त मैं मंत्र मुग्ध सा हुआ, भूल ही गया कि तूने क्या मांगना है। फिर पश्चाताप का दौर शुरू हुआ, मेरी दिनचर्या वैसे ही शुरू रही। मैं सुबह जाता, मंदिर में बैठता, वहीं पे स्नान ध्यान सारा, शाम को वापस आ जाता, चलता रहा और पश्चाताप करता रहा। भगवान शंकर की मूर्ति के आगे बैठकर मैं पश्चाताप के आंसू रोता रहा। एक सप्ताह बीत चुका था, अचानक फिर 11 बजे के करीब दिन में मुझे वही दृश्य, शंकर जी प्रकट हुए। मुझे बोले, बेटा क्या बात है, गलत मांग लिया? मैंने कहा, जी गलत मांग लिया। फिर मैंने कहा, जी बताओ अब मैं क्या करूं, मुझे दिशा चाहिए, मुझे मार्ग चाहिए। और जो मैंने मांगा है वो कृपया उसे काट दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो बेटा तुम्हें इसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं कोई भी मुआवजा भरने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा लक्ष्य पूर्ति से पहले मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते, तुम्हारा आधा तप उस लड़की के हिस्से में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैंने सहर्ष हामी भर दी कि ठीक है, मेरा आधा तप काट लो, उस लड़की के हिस्से में जमा कर दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मुझे मुक्त कर दो। और
भगवान शंकर बोले कि तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। और तुम्हारा आधा हिस्सा काट लिया गया है, रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। और कोई इच्छा हो तो बता दो। मैंने नकारात्मक सिर हिलाया कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु कह के फिर चले गए शंकर जी। मुझे निजात मिली, सुकून आया और मैं अपनी दिनचर्या वैसे ही चलाने लगा। वैसे ही सुबह आता, ध्यान भजन। मुझे शंकर जी का भजन ध्यान करने में, कीर्तन करने में आनंद आया करता था। मैंने शुरू रखा। और फिर चलता गया चलता गया। और धीरे धीरे मुझे मार्ग भी साफ होता गया। लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर थी। उसके बाद मैंने आपको बताया, मेरे भाई की मृत्यु, उसके बाद का सारा मैंने अपने एपिसोड दे दिए हैं। फिर क्या हुआ ये आगे के एपिसोड में आपको बताऊंगा। धन्यवाद। सन 1975 दिन महाशिवरात्रि। मैं उन दिनों भगवान शंकर की पूजा किया करता था अनन्य भाव से। सुबह से शाम और शाम से रात।